माया के माया जाल में एक बार फिर फंस रहे हैं सांझ, अर्जुन, अयान और आरोही। खतरा कम हो जाएगा। हाँ, खतरा कम हो जाएगा। अगर आप दूर रहेंगे तो खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि माया वापस आ गई आपको बर्बाद करने, और जो भी आपके साथ रहेगा ना, माया की आग जल जाएगा। माया ने दो भाइयों को जुदा करने की जो साजिश की थी वो कामयाब हो रही है। दोनों भाइयों के बीच झगड़ा भी हो गया है और अब तो अयान ने घर छोड़ने की तैयारी भी कर ली है। साथ में अपनी बेटी आरोही को भी ले जाने का उसने पूरा मन बना लिया है, इसीलिए उसके सारे कपड़े बैग में भर रहा है। अर्जुन उसे रोकता रहा मगर आज अयान मानने वाला नहीं है। अपने पास रखूंगा उसको और कोशिश करूंगा कि माया की नजर ना पड़े उस पर ज्यादा, तो इसलिए हम घर शिफ्ट कर लेंगे यहाँ से। क्योंकि आरोही अर्जुन और सांझ की जान है, इसलिए माया आरोही पर अटैक कर रही है। पर हमारी आरोही बहुत स्ट्रांग है, वो किसी से नहीं डरती है ना। मैं नहीं डरती। आरोही बेचारी रो रही थी इसलिए नहीं कि उसकी आंख में पानी की बूंदें डाली जा रही थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पापा आरोही को डफर और टस्की से दूर कर रहे हैं। मगर आरोही ने भी ठान ली है कि वो कुछ भी करके कैसे भी यहाँ वापस आ ही जाएगी। ट्रेन से आ जाऊंगी। उड़ के आ जाती? मैं उड़ के नहीं, अब मैं आ जाऊंगी, ओला से आ जाऊंगी, ओला से आ जाऊंगी। अयान ने ना सांझ की सुनी, ना अर्जुन की, और ना आरोही के आंसू उसे रोक पाए। माया के डर के कारण और अपनों से खफा होने के कारण वो आरोही को खींचते हुए घर से जुदा हो ही गया और अर्जुन सिर्फ देखता रह गया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।